बॉलीवुड स्टार्स अपनी लग्जरी लाइफ के लिए खूब जाने जाते हैं, फिर चाहे वो शादी हो या फिर तलाक ही क्यों ना हो, जिसमें करोड़ों का पैसा खर्च किया जाता है। बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शादियों में करोड़ों का खर्चा किया है, तो वहीं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तलाक देने पर करोड़ों रुपए की भारी भरकम रकम चुकाई है। आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में जिन्हें शादी से ज्यादा तलाक लेना भारी पड़ा है। हनी सिंह और शालिनी तलवार। इन दिनों बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर यो हनी सिंह अपनी वाइफ शालिनी तलवार संग बिगड़ते रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। शालिनी तलवार ने पति हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। उन्होंने पति से 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है, साथ ही साथ 5 लाख रुपए हर महीने भी मांगे हैं। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। करिश्मा कपूर ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और साल 2014 में दोनों का तलाक केस फाइल किया गया। 2016 में दोनों का तलाक फाइनल हुआ। संजय कपूर को तलाक के बाद करिश्मा को बतौर एलिमनी मोटी रकम देनी पड़ी। संजय ने मुंबई वाला फ्लैट करिश्मा के नाम कर दिया था। इसके साथ ही संजय ने अपने दोनों बच्चों के लिए 14 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसका ब्याज प्रति महीने 10 लाख रुपए करिश्मा को मिलता है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई और रहन सहन पर होने वाले खर्चे की जिम्मेदारी भी संजय ही उठा रहे हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान। ऋतिक रोशन और सुजैन खान शादी के 14 साल बाद अलग हुए थे। सुजैन ने ऋतिक से तलाक के बाद बतौर एलिमनी 400 करोड़ रुपयों की मांग की थी। हालांकि ऋतिक ने बाद में ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके इस तरह की सभी खबरों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन माना जाता है कि ऋतिक ने सुजैन को 380 करोड़ रुपयों का भुगतान किया। फरहान अख्तर और अधूना भवानी। फरहान अख्तर और अधूना भवानी ने शादी के 16 साल बाद तलाक लिया था। फरहान ने अधूना को मंथली गुजारा भत्ता देने की बजाय एक मुश्त गुजारा भत्ता देने का विकल्प चुना, जिसे अधूना ने भी माना। अपने बच्चों की भविष्य की सुरक्षा के लिए भी फरहान को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। ऐसे में एक्टर को बांद्रा वाला बंगला विपासना अधूना के नाम करना पड़ा। सैफ अली खान और अमृता सिंह। सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी बॉलीवुड की विवादित शादियों में से रही है। इस शादी से दोनों के परिवार वाले नाखुश थे, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी की, लेकिन ये शादी सिर्फ 13 साल ही चल पाई। अमृता से अलग होने पर सैफ ने एलिमनी के तौर पर काफी बड़ी कीमत चुकाई थी। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने 18 साल एक साथ गुजारे और उसके बाद तलाक लिया। मलाइका ने एलिमनी के तौर पर अरबाज से कम 10 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद अरबाज ने मलाइका को 15 करोड़ की रकम एलिमनी के तौर पर दी थी। प्रभुदेवा और रामलत। कोरियोग्राफर डांसर डायरेक्टर प्रभुदेवा ने भी अपनी शादी टूटने की भारी भरकम रकम अदा की है। साल 2011 में प्रभुदेवा अपनी पत्नी रामलत से तलाक लेकर अलग हो गए थे। तलाक के बाद रामलत ने प्रभुदेवा से प्रॉपर्टी की डिमांड की थी, जिसकी कीमत 20 से 25 करोड़ के बीच थी। इसके अलावा रामलत को प्रभुदेवा से 2 लग्जरी गाड़ियां, 1 लाख कैश भी एलिमनी के तौर पर मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।